पेपर आउट हो गया बता रहे हैं। आप सभी लोग दे दीजिए अपनी अपनी कॉपियां। परीक्षा दोनों पाली की स्थगित करने की सूचना प्राप्त हुई। बताया गया है कि पेपर लीक हो चुका है, इस वजह से कैंसिल कर दिए। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। सर, पेपर कैंसिल हो जाने से हम अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। नौकरी नहीं मिलेगी तो आप देख ही रहे हैं बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश के माथे पर एक धप्पा लग गया। 20 लाख अभ्यर्थियों वाली परीक्षा इसलिए निरस्त करनी पड़ी आज, क्योंकि उसका प्रश्न पत्र आउट हो गया था। उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा, मैं मानता हूं यह कृत्य किसी भी देशद्रोह से कम नहीं है। 20 लाख नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके सपनों पर तुषारपात किया गया। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है, एसटीएफ लगी है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, ठीक है। लेकिन सोचिए उन परिवारों का जो कितने समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इस परीक्षा की। दूर दूर से लोग अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक आए और फिर वही ढाक के तीन पार। अब शासन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें आपको मुफ्त आपके घर तक पहुंचा देंगी। इससे उनके सपनों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद जब दोबारा परीक्षा होगी तो अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे उनके सपनों की भरपाई हो जाएगी क्या? नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन भी लोगों ने कार्रवाई कदाचार किया है पर्चा आउट करने का, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये, राज्य में भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और सदाचार का मानक अभी तक पूरे तौर पर स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा? लगभग दो दशकों का दृश्य मेरी आंखों के सामने है। कोई परीक्षा, कोई भर्ती ऐसी नहीं जो लटकी नहीं, भटकी नहीं, अटकी नहीं। ये इसीलिए नौजवान व्यग्र है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए नौजवान परेशान है, हताश है। मैं उस फेरिस्त को पढ़ना नहीं चाहता यहां कि कैसी कैसी परिस्थितियां हुई हैं। बाकायदा एक मुझे लगता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध के समूह उत्तर प्रदेश में शायद सक्रिय है इस दिशा में। ये राजकीय शर्म का विषय, ये प्रादेशिक शर्म का विषय, ये राष्ट्रीय शर्म का भी विषय है। हम ईमानदारी से परीक्षा नहीं करा सकते और ऐसी परीक्षाओं से निकलकर जो फिर लोग आते हैं उनसे हम ईमानदारी की अपेक्षा कैसे करें? ये सब बड़े प्रश्न हैं। कुछ चीजें मुझे संज्ञान में लाई गई हैं, मैं उनका भी सोचता हूं यहां पर उल्लेख करूं। एक मेरे पास एक संदेश आया, उस संदेश में मुझे अवगत कराया गया कि अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ। फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल परीक्षा में पेपर लीक हुआ। अप्रैल 2018 में पुलिस का कोई भर्ती का कार्यक्रम था, उसमें पेपर लीक हुआ। जुलाई 18 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पर्चा आउट हुआ। अगस्त 18 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नति का पेपर लीक हुआ। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर की परीक्षा थी, उसका पेपर लीक हुआ। जुलाई 2020 में 69,000 की शिक्षक भर्ती थी, उसमें भी कुछ ऐसे ही दृश्य बना था। अगस्त 2021 बीएड प्रवेश परीक्षा में भी ऐसे ही दृश्य बना। एक फहरिस्त है, मैं इसको समझना और समझाने की दोनों की बात इस बात ये है कि क्या हम इस प्रवृत्ति को रोकने में सक्षम हैं, क्या हमने इसके लिए कोई स्थायी मैकेनिज्म बनाया है या नहीं। मूल प्रश्न ये,
एक अपराध हुआ, उसकी जांच हुई, 10-20 लोग पकड़े गए, 2-4 पर गैंगस्टर लग गया, ठीक। उस अपराध में जुड़े अपराधियों का शमन हो गया, उनको दंड मिल गया, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन अगला अपराध नहीं हो, इसके लिए इसके आगे की तक कार्रवाई करनी होगी। हर अपराध पर हम दंड देंगे, एक तो व्यवस्था एक ये हुई, और इससे भी आगे की सुपरलेटिव डिग्री की ही उच्चतर श्रेणी की व्यवस्था शासन की वो होती है कि अपराध न हो, हम इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मैं आज एडीजीएलओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद मुझे लगा कि इस बात को मुझे रेखांकित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को इस दिशा में काम करना चाहिए कि अपराध न हो। एक बात मैंने कई बार अपने डिबेट शोज में कही है, जब भी ऐसे परिदृश्य उभरे, क्या उत्तर क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हम नहीं देखते? क्या उत्तर प्रदेश में जो राज्य की परीक्षाएं होती हैं विभिन्न विभागों की, क्या वह परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के स्तर की शुचिता के साथ संपन्न नहीं की जा सकती? क्या संघ लोक सेवा आयोग में सोने के पत्थर पर पर्चा छपके आता है, या उनके पास कोई दूसरी तकनीक है, कोई दूसरी दक्षता है, कोई विदेश से आए हुए लोग वहां काम करते? नहीं, वही हमारे आपके भारतीय लोग वहां भी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी, वही डिजिटल टेक्नोलॉजी उनके पास है जो उत्तर प्रदेश के पास है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम सिपाही से लेके दरोगा तक और नलकूप ऑपरेटर से लेके नर्स और फार्मासिस्ट तक की परीक्षाएं ठीक से नहीं करवा पा रहे? क्या वहां से सीखने की आवश्यकता नहीं है? क्या संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न को एज इट इज उत्तर प्रदेश में हम नहीं लागू कर सकते? करना चाहिए। जिस परीक्षा में पेपर नहीं आउट हो, वहां सब पर्चे में सवाल गलत आ जाते हैं तो मामला मुकदमे में चला जाता है। क्या हो, विद्यार्थी क्या करे, अभ्यर्थी क्या करे, नौजवान छात्र छात्राएं क्या करें? इसीलिए आप देखिए छात्रों में आक्रोश है, क्षोभ है, विक्षोभ है, पीड़ा है, कष्ट है, संतरास है। एक बहन हमारे आपके बीच की, शिखा उसका नाम है, वो 100 दिन से शायद पानी की टंकी पर धरना दे रही है लखनऊ में इको गार्डन में, इन्हीं सब परिस्थितियों के खिलाफ। 22,000 भर्तियों को जोड़ने के लिए चौथी काउंसलिंग लिस्ट निकालने के संदर्भ में ऐसे तमाम प्रसंग में गिना सकता हूं। मैं इन चीजों से जुड़ा रहा हूं, विद्यार्थी अभ्यर्थियों की इन समस्याओं से, और आज तो इंतहा हो गई। इतनी बड़ी परीक्षा, 20 लाख, 1/5 करोड़ का, सोचिए उतने विद्यार्थी कितनी उम्मीदों से घर से निकले होंगे परीक्षा केंद्र जाने के लिए, कितनी हसरतें उनके दिल में हिलोर मार रही होंगी कि यहां से भविष्य का रास्ता खुलेगा। खेत बेचकर, गाय बेचकर, भैंस बेचकर, बैल बेचकर, खड़ुआ बिछुआ बेचकर मां बाप ने पढ़ाया, बाबा की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन रोक दिया, बहन का गौना नहीं रुक हो पाया कि लड़के को पढ़ा रहे, बिटिया को पढ़ा रहे, और उसके बाद जब परीक्षा देने का अवसर आया कि यहां से नौकरी की रास्ते का कोई राह खुलेगी तो क्या परिदृश्य बना? इसलिए मैं कहता हूं दंड का विधान अच्छा है, दंड तो होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी के इस कथन का स्वागत कि जिन लोगों ने पर्चा आउट का काम अंजाम दिया है उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, करिए, इससे भी कठोर कोई धारा हो वो भी लगाइए, ये राष्ट्रद्रोह है सच में। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा इसके आगे की व्यवस्था पर चिंतन होना चाहिए। फिर अगली बार कोई परीक्षा होगी उसकी गारंटी कौन लेगा कि वहां पेपर आउट नहीं होगा, और फिर पेपर आउट हो जाएगा फिर 10-20 लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, 2-4 गैंगस्टर में अंदर चले जाएंगे, उससे कोई मसले का समाधान मिलेगा क्या? नहीं। मैं उत्तर प्रदेश शासन से आग्रह करूंगा संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न का अध्ययन करिए, और अध्ययन के लिए भी कमेटी मत बना दीजिएगा कि कई साल कमेटी घूमती रहे, दिल्ली आती रहे, जाती रहे, घूमती फिरती रहे, पर्यटन करती रहे, रिपोर्ट पर रिपोर्ट होती रहे,
10 दिन में अध्ययन कर लीजिए और 1 महीने के भीतर व्यवस्था बदल दीजिए। उत्तर प्रदेश के भर्ती आयोगों में जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, कोई भर्ती आयोग में ऐसा नहीं जो गति से चला हो, सब पारदर्शिता से चला हो, त्रुटि विहीन परीक्षाएं कराई हो जिसने। वहां जो भी लोग नियुक्त किए जाएं उनकी विश्वसनीयता अखंड होनी चाहिए, क्रेडेंशियल होने चाहिए, सार्वजनिक जीवन में उच्च प्रतिमान उनके साथ खड़े हो। ऐसा रास्ता हमको तय करना होगा अगर हम उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी के साथ न्याय करना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूं तो फिर एक बार दोहराऊंगा, अगर दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग देश भर के बच्चों की एक साथ बिना किसी त्रुटि के पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवा सकता है जिससे आईएएस और आईपीएस बच्चे निकलते हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इस सवाल का उत्तर हमको खोजना होगा, शासन को खोजना होगा। धन्यवाद।